जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से, है ना? चलिए बेटा, फिजिक्स एनडीए 2024 हमारा चल रहा है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, उसमें हम यूनिट पढ़ा रहे हैं। आज होगा मेरा लेक्चर 2। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। मैंने लेक्चर 1 में बात करी कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, उनके कितने टाइप्स है, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिर बात की मैंने मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो मेजरमेंट में एक बात निकल कर आई बेटा, हमें जो मेजरमेंट करनी होती है फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है, उसके लिए हमें सेम क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड स्केल चाहिए होता है। उसी स्टैंडर्ड स्केल को हम यूनिट कहते हैं। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लिया कि लेंथ ऑफ द रूम मैंने मेजर किया 8 मीटर। किससे मेजर किया मैंने? 1 मीटर लॉन्ग स्केल से, 1 मीटर लॉन्ग स्केल से। उसके रिपीटेशन देखे मैंने लेंथ में, हाउ मेनी टाइम्स इट रिपीट्स, ठीक है, जितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है। कौन रिपीट हो रहा है? 1 मीटर स्केल। 1 मीटर स्केल स्टैंडर्ड है, यही मेरा बेटा स्टैंडर्ड यूनिट है या सिंपली यूनिट है। आज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। इस पे क्वेश्चन बना सकता है वो, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझ ले फिर क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा उसको देखते हैं बेटा। नाउ तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए, यानी उसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, विदाउट कंफ्यूजन। यानी इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? विदाउट कंफ्यूजन। यानी स्टैंडर्ड यूनिट का डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? डेफिनेशन विदाउट कंफ्यूजन, यानी उस पर किसी को कंफ्यूजन या डाउट नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, आसान शब्दों में, ठीक है, इजी वर्ड्स में डिफाइन होना चाहिए। तो बेटा हमेशा जो स्टैंडर्ड यूनिट होगा उसका पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, डिफाइन एंड डेफिनेशन विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, यानी एनी कंफ्यूजन। तो एम्बिग्यूटी भी ध्यान रखिए बेटा, एम्बिग्यूटी, 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 एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिए, ये भी कंफ्यूजन के लिए रिलेट होता है। तो आप इंग्लिश में इसको सिनोनिम्स के अंदर भी याद कर सकते हैं, एम्बिग्यूटी यानी विदाउट कंफ्यूजन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, विदाउट एम्बिग्यूटी डिफाइंड होना चाहिए। नाउ बेटा प्रॉपर साइज, साइज यूनिट का हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट का प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर से क्या मतलब है? ना तो स्टैंडर्ड यूनिट बहुत बड़ा होना चाहिए। अब मैं स्टैंडर्ड यूनिट मान लो लेंथ का, अगर स्टैंडर्ड यूनिट साइंटिस्ट 1 किलोमीटर रख देते, 1 किलोमीटर स्टैंडर्ड रख देते, तो फिर जैसे अगर हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर इसके यानी पेपर पे कई चीजें ड्रॉ करते हैं, तो वहां तो बड़ा मुश्किल हो जाता, 1 किलोमीटर स्केल मैनेजेबल नहीं था। तो इसलिए इसका साइज क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, नाइदर टू लार्ज नॉर टू स्मॉल, नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। ना तो बेटा बहुत छोटा होना चाहिए, मान लो बहुत छोटा, इन्होंने माइक्रोमीटर रख लेते या नैनोमीटर रख लेते, यानी 10^-9 मीटर, तो आफत खड़ी हो जाती है। हमारे मेजरमेंट कैसे करते हैं हम? क्योंकि हमें 10^-9 मीटर मेजर करने में पसीने छूट जाते, हम कर ही नहीं पाते मेजर। तो इसलिए बेटा यहां प्रॉपर साइज होना चाहिए, नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल, ठीक है। तो ये कैसा होना चाहिए? प्रॉपर साइज का होना चाहिए, यानी कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, या हम ये भी कह सकते हैं कन्वीनियंट साइज क्या होना चाहिए? कन्वीनियंट होना चाहिए। नाउ थर्ड वन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट, इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम। बेटा ये स्पेस और टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। जैसे 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, मान लो मेरे पास, या स्टैंडर्ड में जैसे 1 मीटर लॉन्ग स्केल, मान लो ये 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, वैसे ये 1 फुट लॉन्ग है, मैंने मान लिया 1 मीटर लॉन्ग स्केल है, ठीक है। ये कैसा होना चाहिए? इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम।
आज मैं इसको यहां पर हैंग करके चला जाऊं, यहां रख के चला जाऊं, यहां ऐसे टिका के चला जाऊं, ठीक है, कल आके देखूं मैं आफ्टर 24 आवर्स, अगर कोई इसको डिस्टर्ब ना करे, है ना, तो इसकी लेंथ विल रिमेन द सेम। इसकी जो लेंथ है मैं यहां रख के छोड़ गया इस रूम में, ठीक है, तो इसकी लेंथ क्या रहेगी, अभी भी 1 मीटर लॉन्ग ही रहेगी, यानी टाइम के साथ नहीं बदलेगी एंड स्पेस के साथ भी नहीं बदलेगी। मैंने यहां रखा 1 मीटर, यहां स्पेस चेंज किया, जगह चेंज की 1 मीटर, मैंने यहां रख दिया 1 मीटर, यहां रख दिया 1 मीटर, यहां रख दिया 1 मीटर। तो बेटा अगर मैं स्पेस में भी इसको चेंज करूं, या इसको मैं बॉम्बे ले गया, दिल्ली ले गया, चेन्नई ले गया, केरला ले गया, ठीक है, वहां पर भी इट विल नॉट बी चेंज्ड। तो बेटा ये कैसा होना चाहिए, इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम। पहले वेल डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर साइज का होना चाहिए, यानी कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, और इनवेरिएंट विद स्पेस एंड टाइम, यानी डज नॉट वेरी विद स्पेस एंड टाइम। रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ये नहीं कि एक बार ये स्केल खत्म हो गया, मान लो उसमें प्रॉब्लम आ गई, टूट गया, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, या कुट पिट गया बिल्कुल, ठीक है, फिर ऐसा ना हो कि इसे दोबारा बना ना पाए। भाई दोबारा मार्केट जाएंगे, ले आएंगे, मार्केट में फैक्ट्री से आ जाएगा, जैसी डिमांड होगी पब्लिक की वैसी ऑर्डर होगा, हाल एकदम फैक्ट्री बना के देगी। रिप्रोड्यूसिबल, ये रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, ठीक है। नॉन डिस्ट्रक्टिबल, यानी अगर मान लो एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गया, दोबारा बन ही ना पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक, तब भी आफत खड़ी हो जाएगी। तो ये हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन डिस्ट्रक्टिबल, यानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म ना होने वाला होना चाहिए। वाइडली एक्सेप्टेबल, यानी इंटरनेशनली हर जगह के लोग इसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। बेटा एक्सेप्टेबल तभी तो होगा जब ये प्रॉपर्टीज यहां पे होंगी, वेल डिफाइंड होगा, प्रॉपर साइज का होगा, इनवेरिएंट होगा, ठीक है, इसीलिए लोग एक्सेप्ट करेंगे, हाँ भाई ये चीज सही है, ये इसके बिल्कुल ठीक है, वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो वाइडली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा एंड लास्ट वन, सेवंथ वन, इजिली एक्सेसिबल, यानी हरेक की पहुंच आसान होना चाहिए स्केल पर। ये नहीं कि स्केल एकदम ऐसा, या तो बहुत महंगा कर दिया कि कोई इसको ले ही नहीं पा रहा है, ठीक है, मान लो प्लेटिनम का बना के रख दिया इसको, यानी कोई लाने में एकदम सोचना पड़ेगा यार इतना महंगा है कहां से लेके आएंगे। तो ये कैसा होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, हरेक किसी की पहुंच इस स्केल पर होना चाहिए, यानी इस यूनिट पर। स्केल क्या है मेरा, 1 मीटर लॉन्ग, इसी की बात कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो बेटा ये स्टैंडर्ड यूनिट के अंदर हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखना। अब जो सवाल फ्रेम करेगा, सवाल फ्रेम कर देगा कि भाई स्टैंडर्ड यूनिट हैज, तो प्रॉपर्टी रख देगा, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी इसमें ऐसे लिख देगा कि वेरिएबल विद स्पेस एंड टाइम, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन बना दे मल्टीपल चॉइस के अंदर कि भाई विच इज नॉट, ऐसे करके विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। नंबर एक, रिप्रोड्यूसिबल। नंबर टू, अब इसने लिख दिया डेस्ट्रक्टिबल, ये लिख दिया इनवेरिएबल विद स्पेस एंड टाइम। एंड फोर्थ वन, वेल डिफाइंड, ये लिख दिया बेटा, ठीक है। अब सोचिए, बताइए, मैं वीडियो देख लूं एक मिनट, ठीक, वेल डिफाइंड थोड़ा नीचे जा रहा है, वेल डिफाइंड में थोड़ा इसको यहां कर दूं मैं, फोर्थ ऑप्शन स्पेस एंड टाइम ऐसे लिख देता हूं, स्पेस एंड टाइम, ठीक है, और ये वेल डिफाइंड,
वेल डिफाइंड। ठीक, तो अब बेटा बताइए इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर देगा इस बात के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड पूरा लिख देते, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल, हाँ भाई रिप्रोड्यूसिबल सही है, ये तो सही है। ठीक है, अब इनवेरिएबल विद स्पेस एंड टाइम, ये भी ठीक है, इनवेरिएबल विद स्पेस एंड टाइम। रिप्रोड्यूसिबल, ये भी ठीक है। वेल डिफाइंड, ये भी ठीक है। डेस्ट्रक्टिबल, बेटा यहां लिखा है नॉन डेस्ट्रक्टिबल, यहां इसने बना दिया डेस्ट्रक्टिबल, तो विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, डेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है बेटा, अब बच्चों बात करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ठीक है, तो हमने देखा कि भाई जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी कि विच आर इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगी, लाइक लेंथ, मास, टाइम। 1960 से पहले तीन फंडामेंटल थी, लेंथ, मास, टाइम, मैंने ब्रैकेट कर दिया। उसके बाद साइंस का डेवलपमेंट हुआ, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को और इंट्रोड्यूस किया गया, लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें कि भाई इन फंडामेंटल के लिए और इनके ऊपर बेस ड्राइव क्वांटिटी के लिए क्या क्या यूनिट्स होंगे, उनके यूनिट्स क्या लिखे जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास चार सिस्टम चलते हैं। ठीक है, तो एक सीजीएस सिस्टम हो गया, एक एफपीएस सिस्टम हो गया, एक एमकेएस सिस्टम हो गया, और एक हो गया एसआई यूनिट्स। ठीक है, उसमें नेक्स्ट उस पर बात करूंगा कि एसआई यूनिट्स। ठीक है, तो चार सिस्टम चलते हैं, चार सिस्टम यानी पहले तीन सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम फंडामेंटल माने गए, चार अभी बाद में एसआई के अंदर जो मैं बाद में फोर्थ लिखूंगा उसमें ये सातों आ जाएंगे, सेवन फंडामेंटल होंगे। अभी इन तीन में तीन फंडामेंटल होंगे। ठीक है, पहला सीजीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय गॉस, बड़े फेमस साइंटिस्ट रहे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बहुत काम किया है इन्होंने, इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर भी थ्योरम आएगी। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, 12th का सिलेबस करेंगे फिजिक्स में, तो दो जगह इनका जिक्र होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और मैग्नेटिज्म के अंदर। तो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, तो सीजीएस सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जहां पर सी स्टैंड फॉर लेंथ के लिए बेटा लिखा सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, मास के लिए ग्राम लिखा, ये ग्राम हो गया, पूरा लिख देते हैं, और टाइम के लिए सेकंड लिखा, टाइम के लिए क्या लिख दिया सेकंड, ग्राम को मैं जी लिख सकता हूं सिंबल में, ठीक है, सेकंड के लिए एस लिख सकता हूं, सेंटीमीटर तो है। तो बेटा अब यहां पर जो सीरियस सिस्टम है इंट्रोड्यूस बाय गॉस, जहां सिर्फ तीन फंडामेंटल होंगे, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए ग्राम, टाइम के लिए सेकंड, इसका सी यहां से निकाल लो, जी यहां से निकाल लो ग्राम का, सेकंड का एस निकाल लो, तो हो जाएगा सीजीएस, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब बेटा इसके बाद बारी आई एफपीएस सिस्टम की। हालांकि अगर मैं सीक्वेंस से देखूंगा तो एमकेएस सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस हो गया है, ये बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे कोई हमें कोई सवाल नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं कि भाई एफपीएस सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम, ये ब्रिटिश सिस्टम है बेटा, ये आज भी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग के अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, सारे के सारे एफपीएस में एक्सप्रेस किए जाते हैं। दुनिया के और कोने में कहीं पर भी यूज नहीं किया जा रहा एफपीएस सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत है, ड्राइव इवन फंडामेंटल से ड्राइव क्वांटिटी में जब कन्वर्जन करते हैं वहां पर भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज करना पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक है, लेकिन जो ब्रिटिश लीग ऐसी है अपने आप को यानी सुपर दिखाने का जो उनका टेंडेंसी है उसमें वो एफपीएस सिस्टम अभी भी फॉलो करते हैं। तो नाउ एफपीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय विलियम स्ट्राउड, ये स्ट्राउड सिस्टम भी कहलाता है, ये गॉशियन सिस्टम भी कहलाएगा, ठीक है, ये जियोर्जियन सिस्टम भी कहलाएगा। नाउ एफपीएस सिस्टम में लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, बेटा लेंथ को फुट के अंदर मेजर करेंगे। ठीक है, और
मास को पाउंड के अंदर मेजर करेंगे और टाइम अभी भी सेकंड में रहेगा, ठीक है। फुट का एफ निकाल लिया, पाउंड का पी निकाल लिया, सेकंड का एस निकाल लिया, तो क्या हो गया, एफ पी एस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड। अब देखो फुट आपको मालूम ही है, अगर मैं इसको सिंबल लिखूं तो एफ टी लिख सकता हूं, एफ टी वन फुट ऐसे करके लिख सकता हूं। तो वन फुट हमें पता ही है कि 12 इंचेस के बराबर है, क्या है, 12 इंचेस के बराबर होता है, ठीक है, सब जानते हैं। नाउ वन पाउंड अगर मैं सिंपल लिखूं इसका तो एल बी लिखता हूं, वन एल बी। अगर मैं इसे किलोग्राम में एक्सप्रेस करूं वन एल बी को, तो ये किलोग्राम में 0.54 किलोग्राम, या अगर ग्राम में एक्सप्रेस करूं, ग्राम से रिलेट करूं, 454 ग्राम। ये हो गया। अब आपने कहा कि सर उल्टा पूछा जाए, उल्टा अगर क्या, उल्टे का मतलब कि एक किलोग्राम में कितने एलबी, कितने पाउंड, यानी उल्टा बोल रहे हैं, अभी एक एलबी में, एक पाउंड में कितने किलोग्राम या कितने ग्राम। मैं इसको उल्टा करके लिखता हूं, 1 kg है, एक किलोग्राम में बेटा ध्यान रखिए 2.2 lb होते हैं, एक किलोग्राम में 2.2 lb होंगे। और सेकंड तो अभी भी वही है, सेकंड एस लिख रहे हैं, सेकंड तो एस ही लिखा जा रहा है, सेकंड में कोई तब्दीली नहीं है। तो ये FPS सिस्टम हो गया। नाउ थर्ड वन MKS सिस्टम। यहां पर भी तीन फंडामेंटल है, लेंथ, मास, टाइम। बेटा लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे, देख लेता हूं नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है अभी तक तो आ रहा है। बेटा लेंथ को हम एक्सप्रेस करेंगे मीटर में, ठीक है, मास को एक्सप्रेस करेंगे किलोग्राम के अंदर, या मैं ऐसे लिख देता हूं, है ना, मास को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, किलोग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, और टाइम को अभी भी सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। यानी लेंथ सेकंड में, थोड़ा और लिख देता हूं ऊपर, थोड़ा और ये नीचे जा रहा है, कट रहा है। यानी MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में यहां लिख देते हैं, चलो MKS सिस्टम में लेंथ मेजर की जाएगी मीटर में, मास मेजर किया जाएगा किलोग्राम के अंदर, ठीक है, और टाइम अभी भी सेकंड में मेजर होगा। तो बस मीटर का एम हो गया, किलोग्राम का के हो गया, सेकंड का एस हो गया, तो MKS सिस्टम तैयार हो गया। तो इंट्रोड्यूस बाय जियोवानी जियोर्जी, इसलिए जियोर्जियन सिस्टम भी कहलाता है। अब बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये SI यूनिट्स की बात करते हैं, इज ऑल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड MKS सिस्टम, ठीक है ना। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे मैंने कहा था अभी कि भाई जो हमारे पहले तीन सिस्टम है, कौन कौन से, CGS, FPS एंड MKS सिस्टम, इसमें फंडामेंटल तीन है, लेंथ, मास, टाइम। अब यहां पर 7 फंडामेंटल है, लेंथ, मास, टाइम तो है ही है, इसके अलावा टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ले लेंगे। तो बेटा लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, सिंबल एम हो गया, मास किलोग्राम, सिंबल केजी हो गया, ठीक है, हमेशा के स्मॉल लेटर बनाएंगे इसके अंदर है। टाइम सेकंड, सेकंड का एस हो गया, टेम्परेचर केल्विन, साइंटिस्ट केल्विन है, थर्मोडायनेमिक्स में बड़ा काम किया उन्होंने, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो क्योंकि साइंटिस्ट नेम है, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम से होता है, केल्विन साइंटिस्ट का नेम है, हमें ये लगे कि भाई साइंटिस्ट का नेम है तो हमें प्रॉपर नाउन की तरह इसको कैसे लिखना चाहिए, केल्विन ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन ये गलत हो जाएगा, हम यूनिट लिख रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख रहे हैं, इसलिए बेटा हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, हम पहला लेटर क्या बना देंगे, इसका स्मॉल लेटर बना देंगे। हाँ, जब खाली सिंबल लिखना है तो कैपिटल के यूज करेंगे, ये स्मॉल के नहीं लगाएंगे। नाउ एम्पियर, इलेक्ट्रिक करेंट, हैविंग द यूनिट एम्पियर, ये भी साइंटिस्ट नेम है, इसे भी मैंने स्मॉल लेटर से लिखा है, और सिंबल लिखना है तो कैपिटल लेटर यूज कर देंगे, ठीक है। नाउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट हैज यूनिट, SI यूनिट मोल, और अगर हम सिंबल लिखते हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ई हटा दीजिए, मोल, MOL, ठीक है। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसका जो यूनिट है SI यूनिट कैंडेला है, शॉर्ट में लिखना है तो CD। अच्छा, इसमें जो SI सिस्टम है, इसमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स और यूज किए जाते हैं, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, एक तो प्लेन एंगल, जो जैसे हम ये एंगल ड्रॉ करते हैं प्लेन के ऊपर, जैसे 90 डिग्री, बच्चों ये 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, इसका हाफ कर देंगे 42 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा,
ऐसे करके, ठीक है। तमाम बेटा ये जो एंगल्स होते हैं पेपर पे ड्रॉ किए जाते हैं, तो प्लेन एंगल, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, रेडियन। पहले भी जिक्र कर चुका हूं मैं रेडियन का, शॉर्ट में आरएडी लिखेंगे, रेड, तो वन रेड यानी वन रेडियन इज इक्वल टू 57.29 डिग्री, या 57.3 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। 57.296 होता है, लेकिन मैं इसे 57.3 डिग्री लिख देता हूं। अगर मैं उल्टा लिखूं, वन डिग्री कंप्राइजेस हाउ मेनी रेडियन, इट इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन। अब यहां देखो, आप एक चीज और बात कर रहे हैं, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल आपके पकड़ में नहीं आएगा, मुट्ठी में नहीं आएगा प्लेन एंगल, ये टू डायमेंशनल है। बेटा अगर मैं थ्री डायमेंशनल एंगल बनाता हूं जो हमारी मुट्ठी में आ जाए, ठीक है, वो सॉलिड एंगल होगा। सॉलिड एंगल कैसे होगा उसको समझिए, इस बात को, सॉलिड एंगल का मतलब क्या होगा, ये हटा देते हैं। देखो सॉलिड एंगल का मतलब हो गया कि भाई जैसे ये आइसक्रीम का कोन, ये आइसक्रीम कोन, ठीक है, आइसक्रीम कोन, पानी आ रहा है मुंह में, चलिए बेटा जो आइसक्रीम कोन है हम इसे पकड़ सकते हैं ना, होल्ड कर सकते हैं, हाथ में आ जाएगा, इसमें चौड़ाई ऊंचाई थिकनेस सब कुछ है। प्लेन एंगल हाथ में नहीं आएगा ऐसे, ये प्लेन पे बना हुआ है, सपाट है बिल्कुल। तो सॉलिड एंगल हमारे हाथ में आ जाता है बेटा, ये सॉलिड एंगल कहलाता है। तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, या सिंबल एसआर लिख देते हैं, एस और आर दोनों स्मॉल लेटर में है, ये ध्यान रखना बेटा, कैपिटल होता तो मैं ऐसे करके लिखता इसको यू, ठीक है, तो ये दोनों स्मॉल में लिखे गए हैं। और एक स्फीयर इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन, इसका क्या मतलब है बेटा, जैसे मैंने एक स्फीयर, नॉट अ सर्कल, एक स्फीयर गेंद लाइक बॉल, ये क्या है बेटा, स्फीयर है यानी लाइक बॉल, ठीक है। तो बेटा ये अपने सेंटर पर पूरा जो इसका सरफेस है, पूरा सरफेस, जो बॉल का पूरा सरफेस है या ग्लोब का पूरा सरफेस है, सेंटर पर जो पूरा एंगल इंड्यूस करेगा, दैट इज इक्वल टू 4π स्टेरेडियन, क्या होगा, 4π स्टेरेडियन होगा, ठीक है। जैसे बेटा जो प्लेन एंगल होता है, जनरली मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूं प्लेन एंगल को, थीटा से, सॉलिड एंगल को जनरली हम ओमेगा, ये कौन सा सिंबल है, ओमेगा, ग्रीक सिंबल, ग्रीक अल्फाबेट का सिंबल है ओमेगा, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ओमेगा से मैं डिनोट करता हूं, अगर मैं मान लो कोई छोटा एंगल, जैसे मैं एक इसका हिस्सा ले लूं, ये स्फीयर है तो मैंने एक इसका हिस्सा ये ले लिया, स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, बॉल के ऊपर छोटा सा ये पार्ट, ये ऐसे इसको मैंने शेडेड कर दिया, तो ये हमारे सेंटर ओ पर एक एंगल इंड्यूस करेगा। मान लो ये एरिया छोटा सा है डी ए के बराबर, ठीक है, तो जो एंगल इंड्यूस करेगा यहां पर डी ओमेगा, छोटी चीजों को हम डी से लिखते हैं बच्चों, जो बहुत सारी बहुत ज्यादा छोटी होती है, वेरी लिटिल, वेरी मच स्मॉल, तो डी लगा देते हैं, डी ए यानी वेरी स्मॉल, यानी डी किसके साथ लग जाएगा, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, ठीक है। तो बेटा यहां पे जो डी ओमेगा है, मान लो रेडियस आर के बराबर है, स्फीयर का रेडियस कितना है आर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इट इज डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जैसे बेटा मैंने एंगल में, प्लेन एंगल में लिखा था एक फॉर्मूला, अगर आपको ध्यान हो, प्लेन एंगल में लिखा था मैंने एंगल इज इक्वल टू, जब हमने बेसिक्स ऑफ फिजिक्स बताए थे उसमें मैंने इस बात का जिक्र किया, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। यहां पर बेटा ये क्या होता है, यानी सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर। अभी मैंने आपसे कहा कि भाई वन स्फीयर इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर 4π स्टेरेडियन एंगल, सॉलिड एंगल कितना बनाएगा, पूरा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है, मेक्स 4π स्टेरेडियन एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, इसको हम यहां निकाल सकते हैं। अब मैंने कहा कि भाई पूरा सरफेस एरिया सेंटर पर कितना सॉलिड एंगल इंड्यूस करेगा,
मैंने कहा ओमेगा इंड्यूस करेगा। तो अब यहां डी ए पूरा सरफेस, अब छोटा एरिया थोड़ी लेना है मुझे, जब बड़ा एरिया होगा तो एंगल भी बड़ा हो जाएगा, तो मैं ओमेगा लिख देता हूं यहां पे, इधर लिख देता हूं ताकि पूरा वीडियो में आ जाएगा बेटा। अब यहां पे डी ए पूरा स्फीयर का, हमेशा ध्यान रखो स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4πr² होता है अपॉन, ये हो गया 4πr² एरिया ऑफ होल स्फीयर, ठीक है, पूरा होल सरफेस का एरिया कितना हो गया 4πr² डिवाइडेड बाय r² कैंसिल आउट, hence solid angle becomes 4πr². ये हो गया, ये 4πr² हो गया। तो इस तरीके से बेटा यहां पे हम सॉलिड एंगल की कंसेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है ना। ये तो रही बात हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कौन कौन से यूनिट से सप्लीमेंट्री कौन से थे, फंडामेंटल कौन से थे, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है भाई, जो तीन सिस्टम थे हमारे पहले CGS हो गया, FPS हो गया, MKS सिस्टम हो गया, ठीक है, वो क्यों छोड़ दिए गए। अब ये नया सिस्टम आया इसमें कोई ना कोई खास बात होगी, कुछ खासियतें होंगी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि भाई ये ज्यादा फंडामेंटल को समेट रहा है, तो पहले सिस्टम हमारे तीन के लिए थे, ठीक है, इसमें ज्यादा बढ़ा दिए गए। दूसरा इसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, तो इसके अंदर क्या बेनिफिट है क्या एडवांटेजेस है उसको हम देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ SI यूनिट्स यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जहां पर सेवन फंडामेंटल, ठीक है, सेवन फंडामेंटल लिए गए हैं और दो सप्लीमेंट्री लिए गए हैं, ठीक है, तो बड़ा सिस्टम है तो पूरे साइंस के हर पैरामीटर को इंक्लूड कर रहा है। सबसे पहला ये बेटा कोहेरेंट सिस्टम है, इसका मतलब समझ लो कोहेरेंट सिस्टम। अच्छा, जो हमारे पहले के सिस्टम थे खास तौर से FPS सिस्टम, मैंने जिक्र में कहा भी FPS सिस्टम, जब हम ड्राइव यूनिट्स कौन सी होती है बेटा, जो फंडामेंटल से ड्राइव की जाती है, ऑब्टेन की जाती है, लाइक स्पीड। स्पीड ड्राइव क्वांटिटी क्यों है भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस यानी कि लेंथ फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, तो स्पीड इज ऑब्टेन और ड्राइव फ्रॉम टू फंडामेंटल लेंथ एंड टाइम, हेंस स्पीड इज अ ड्राइव क्वांटिटी। तो बेटा मैं यहां पे जो ड्राइव क्वांटिटी है या तो मैं डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूं, फंडामेंटल कई बार फंडामेंटल यूनिट का मल्टीप्लीकेशन होगा तब ड्राइव क्वांटिटी निकलेंगी, कई बार डिविजन होगा, ठीक है। तो ये SI यूनिट जो है हमारा जो सिस्टम है SI यूनिट, ये कोहेरेंट सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि जब मैं ड्राइव क्वांटिटी लिखता हूं तो किसी एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल फैक्टर की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फैक्टर की जरूरत नहीं है बेटा। अगर मैं CGS यूज कर रहा हूं, इवन FPS यूज कर रहा हूं, FPS में तो ज्यादा हमें बार बार वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, CGS में इंट्रोड्यूस करना पड़ेंगे, ठीक है, हालांकि CGS में कम न्यूमेरिकल फैक्टर यूज करना पड़ते हैं, लेकिन यहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल फैक्टर, यहां कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि कैलोरी आ रहा है तो 4.2 जरूर चिपकाना पड़ेगा मुझे उसके अंदर, जैसे CGS में करते हैं, है ना। तो ध्यान रखिए कोहेरेंट सिस्टम में, बस इस बात का ध्यान रखिए कोहेरेंट सिस्टम है, तो कोहेरेंट सिस्टम के अंदर ये जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, ड्राइव यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड बाय डिविजन और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल या बेस फंडामेंटल और बेस यूनिट्स without any
न्यूमेरिकल फैक्टर, कोई न्यूमेरिकल फैक्टर, कोई न्यूमेरिकल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी हम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम। दूसरी बात, इट इज रैशनलाइज्ड सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है? रैशनलाइज्ड, रैशनलाइज्ड सिस्टम। देखो जैसे सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम में हीट एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी के लिए कैलोरी यूज करते थे, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए जूल यूज करते थे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए किलो वॉट आर यूज करते थे। यानी भाई एनर्जी तो एक ही है ना, उसके डिफरेंट फॉर्म है, हर फॉर्म के लिए अलग अलग यूनिट। ये तो बड़ा मैटर हो जाता था कि भाई ये तो सिस्टम बड़ा गड़बड़ है, सीजीएस देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन इस तरीके के कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर मौजूद थी, ठीक है। तो ये जो हमारा खास तौर से एसआई सिस्टम का जो एडवांटेज है, ये रैशनलाइज्ड सिस्टम है। वन फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट, इसका मतलब है कि वन फिजिकल क्वांटिटी हैज ओनली वन यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी, एक यूनिट। जैसे एनर्जी के लिए सिर्फ हम जूल यूज करेंगे, वॉट एवर बी द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल हो, थर्मल एनर्जी हो, सभी के लिए एनर्जी के लिए सिर्फ जूल यूज किया जाएगा। साइंटिस्ट नेम है, पूरा लिखूंगा तो स्मॉल लेटर यूज करूंगा पहला, और अगर खाली एक शॉर्ट में लिखना है तो कैपिटल जे यूज करूंगा। तो एनर्जी बेटा चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हो या थर्मल हीट एनर्जी हो, सभी का एसआई यूनिट क्या रहेगा? एक रहेगा, जूल हो गया। तो इसलिए क्या कहा जाता है, ये कैसा सिस्टम है? रैशनलाइज सिस्टम है। अब तीसरा, मीट्रिक सिस्टम। ये कैसा सिस्टम है बच्चों? मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम का मतलब ये हो गया कि हम किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के सब यूनिट्स लिख रहे हैं, जैसे मीटर के सब यूनिट्स लिख रहे हैं। मीटर को मैंने सेंटीमीटर में लिखा, मिलीमीटर में लिखा, ठीक है। मीटर को जैसे मैं लिख रहा हूं कि मीटर को मैं सेंटीमीटर में लिखना चाहता हूं तो इट इज 100 सेंटीमीटर। मिलीमीटर में लिखना चाहता हूं, अगर मैं सेंटीमीटर में लिख रहा हूं 100 सेंटीमीटर, तो आई कैन एक्सप्रेस 100 सेंटीमीटर एस 10 इज टू द पावर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। या बेटा मैं लिख रहा हूं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो 10 इज टू द पावर 3 मिलीमीटर। देख लो ये आ रहा है कि नहीं, आ रहा है। तो बेटा ये हम यहां पर ना कि मीट्रिक सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर जो मल्टीपल्स होंगे या सब मल्टीपल्स होंगे उनको हम कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं 10 की पावर। यानी अगर मैं आगे का मल्टीपल देखूं किलोमीटर, 1 किलोमीटर आई कैन राइट 10 रेज टू द पावर 3 मीटर। यानी सारे मल्टीपल, सब मल्टीपल, ये सारे के सारे किसमें 10 की पावर में एक्सप्रेस किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खास बात है इस सिस्टम के अंदर, है ना। तो अब जैसे यहां पर क्वेश्चन बना के दे देगा कि भाई व्हाट इज द एडवांटेज या व्हाट इज द एडवांटेज या व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट ओवर सीजीएस और एफपीएस सिस्टम या अदर सिस्टम। तो मैं कोई एक पॉइंट हटा दे उसके अंदर कि भाई कौन सा नहीं है, जैसे लिख दे इनकोहेरेंट सिस्टम, ठीक है। मैं क्वेश्चन बना के लिख देता हूं, ध्यान रखना बेटा यहां पर है। क्वेश्चन विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट ओवर अदर सिस्टम्स, ठीक है, ओवर अदर सिस्टम। कोई कौन सा एडवांटेज नहीं है, जैसे ये कहा गया हमसे मैट्रिक्स सिस्टम, दूसरा कहा गया
यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। नंबर थ्री, इनकोहेरेंट। एंड नंबर फोर, रैशनलाइज्ड। रैशनलाइज्ड, इनकोहेरेंट। तो बेटा अब यहां पे मैंने कहा कि विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ एसआई यूनिट ओवर अदर सिस्टम। भाई मीट्रिक सिस्टम ये तो एडवांटेज है ही, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिल्कुल है, ठीक है, रैशनलाइज है, इनकोहेरेंट। यहां उन्होंने क्या कर दिया, कोहेरेंट की जगह इनकोहेरेंट कर दिया, तो हमारा आंसर ये चला जाएगा। तो आज बच्चों इतने ही रखते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।